के दरवाजे के सामने से, जो दरवाजा है ना, मुख्य दरवाजा है, उसके नीचे से एक पानी निकलने का होल है, छेद है मकान में, दहरी के नीचे। देखो सही है गलत है? सही है, वो होल हमने ही बनाया था। तो आप ही बनाओगे ना, क्योंकि आपकी कुंडली आपको मजबूर कर रही है कि वो होल आपको बनाना है। अब सुनो आप मेरी बात को, इसको ज्योतिष कहते, जितने लोग ध्यान दे रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस बात को देखें कि ज्योतिष कितनी सटीक होती है। कि वो होल आपने बनाया, पाइप डाला आपने, जी अब आप ध्यान करो हमारी बात पर। जिस समय से वो पाइप आपने डाला, होल बनाया, उसके बाद से आपकी गुस्सा और बेचैनी चार गुना हो गई है। सही है कि गलत? जी सही है, बिल्कुल जोर से बताइए, सही है कि गलत? सही है बिल्कुल। तो अब आपको वह पाइप बंद करना है जी। अब आपको वह पाइप दरवाजे के नीचे से छोड़कर कहीं दूसरी जगह से निकालना है जी। आप समझो हमारी बात को, हम कोई बात करते हैं तो उसका बहुत गंभीर गहरा कारण होता है जी। के अनुसार मकान के बाहर सीधे हाथ तरफ, सामने तरफ कोई हजाम हजाम की दुकान, यानी दाढ़ी बाल बनाने वाली कोई सैलून, कोई नाई की दुकान है या नहीं? थोड़ा जोर से बोलिए, सही है गलत है? सही सही है। आपकी कुंडली ये बताती है कि आपके घर के सामने कोई मनी प्लांट, आंवला, जासून, ऐसा कोई पेड़, अनार का कोई पेड़ है कि घर के आसपास कहीं? पहले लगे थे मगर अभी तक बहुत ही नहीं। हाँ तो अनार, ये बात सही है। ठीक है, कुंडली ये बताती कि आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्या करें क्या ना करें, हमेशा भ्रम में दुविधा में रहते हैं। सही है या गलत है? 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक आपको बहुत गुस्सा आ रही थी। सही है कि गलत? सही सही सही। आपकी नींद बड़ी डिस्टर्ब रहती है और मन बेचैन और अशांत रहता है। सही है या गलत? सही है। और आपको ये भी लगता कि कुछ ना कुछ दोष हमारे घर में है जिसके कारण हम परेशान हैं। सही है या गलत? सही है। कुंडली के अनुसार जहां आप रहते हैं, मकान के बाहर सीधे हाथ तरफ थोड़ी सी खाली जगह, वहीं पर कुछ ईंटों का ढेर या बिना छपी दीवार जिसमें ईंटें दिखाई देती हैं। सही है या गलत? बिल्कुल सही जी। मकान बनाने के लिए रखी है, रखी रहेगी। तो कुंडली आपकी बता रही है कि आप या गणेश जी की या साईं बाबा की किसी की पूजन करते हैं, किसकी पूजन करते हैं? ज्यादातर तो गणेश जी की पूजन करते हैं। ठीक है। और सोमवार के दिन तो अभिषेक करते हैं महादेव का। ठीक है जी। तो कुंडली बिल्कुल सही है। हाँ जी। अब कुंडली के अनुसार जो समय चल रहा है जी, वह समय ऐसा चल रहा है कि कुछ मकान को लेकर मन में बेचैनी या उथल पुथल। एक बात और पूछना चाहेंगे जी। कुंडली ये बताती है कि पिछले दो तीन महीने, दो एक महीने से आप देख रहे हैं, बड़ी 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 माइनर बारीक बात है, आप बता सकते हैं जी। पिछले दो तीन महीने से आप देख रहे हैं, आपके जो मकान के दरवाजे हैं जी, नीचे मार्बल है, टाइल्स है, दाना है, फर्श है, जो भी जिसके घर की व्यवस्था है, तो आपके मकान के दरवाजे ऊंचे ऊपर से नीचे की ओर चिपक गए हैं और जमीन से घिसट कर चल रहे हैं। क्या ये सही है? महाराज जी सही है, चक्कर लगते ही नहीं। क्या बात है यार, ये इसको कहते ज्योतिष या महादेव की कृपा कि आपका दरवाजा इतना घिसट के चल रहा है कि दरवाजा लगता नहीं जी। अब आप बताइए कि देश में विदेश में कहीं कोई ज्योतिषी ऐसा होगा जो आपको इतनी माइनर बात बता सके? नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। तो लोग हमसे कहते हैं, हमको बड़ी खुशी होती कि महाराज जी आप हमारे जबलपुर का संस्कार धानी का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं, रोशन कर दिया, मजा आ गया। बड़े बड़े लोगों से हमारे संबंध है, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, फिल्मी दुनिया के लोग, बड़े बड़े लोग जजमान है जी। मैंने आपको बहुत फॉलो किया है और देखा है, सब उन्हीं की कृपा है। तो अब ये आपकी, ये हमारी ज्योतिष और ये आपकी कुंडली है कि दरवाजे तक घिसट रहे हैं और वो चिपक गए हैं तो बंद नहीं हो रहा। सही बात है जी, सही। तो आपकी कुंडली बिल्कुल 101% सही। अब आप सवाल करिए, क्या जानना चाहते हैं, मकान को लेकर या स्थिरता को लेकर?